गाइस, दिस इज़ मी हैदर हाशमी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताऊंगा कि मैंने कौन से लगाए थे वीज़ा के लिए। तो उससे मैं बता देता हूँ आपको, इतना मुश्किल नहीं है थाईलैंड का वीज़ा लेना, ईजिली मिल जाता है। उसके डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने भी दिए थे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक हो गया। पासपोर्ट होना है, उसके बाद आपको चाहिए आईडी कार्ड, उसकी कॉपी चाहिए होती है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने पिक्चर्स लेनी है, दो पिक्चर्स लेने के बाद आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, बैंक मेंटेनेंस लेटर होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि आपकी एक साल की हो। उसके बाद ई टिकट होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए, सैलरी स्लिप और कवर लेटर आपको लगेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फिर आपका इंडियन नंबर होगा और टैक्स रिटर्न होंगे साल की, और बिजनेस स्टेटमेंट भी आपको लगानी पड़ेगी थाईलैंड वीज़ा के लिए। ये जब आपको चीज़ें कंप्लीट हो, उसके बाद आपने क्या करना है, थाईलैंड एम्बेसी की जो वेबसाइट है आपने वहाँ पर जाना है और वहाँ से एक फॉर्म डाउनलोड कर लेना। उस फॉर्म में आपने फॉर्म फिल करना है, और फिल करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वो जो आप फिल कर रहे हो ना वो कैपिटल वर्ड पे फिल कर, ठीक हो गया। उसके बाद वो जब आपने चीज़ें सारी कर लेनी, ओके कर लेनी है, जब आपने अप्लाई करना है वीज़ा, तो आपने ये भी ख्याल रखना है कि आप एटलीस्ट वन मंथ पहले कर दें। वैसे एम्बेसी की जो वेबसाइट पे है उस पर जो बताया उन्होंने कि 10 डेज लगते हैं, तो फिर भी एक सेफ हैंड के लिए आप 1 मंथ पहले कर दें। वीज़ा लग गया है फिर आपके पास चांस मतलब टाइम हो कि ईजिली आप मैनेज कर सकें, ठीक हो गया। उसके बाद वीज़ा ले लिया आपने, चले गए थाईलैंड, थाईलैंड चले गए तो अब आपने क्या करना है, अगर आपका प्लान है पटाया, फुकेट का और बैंकॉक का, अगर आपका बैंकॉक का प्लान है तो फिर आप बैंकॉक में कोई इशू नहीं है। अगर आपने बैंकॉक के साथ पटाया भी किया हुआ है तो फिर आपको ये चाहिए कि आप बैंकॉक जब एयरपोर्ट पर निकलेंगे ना, वहाँ से बसें चलती हैं जो सीधा पटाया जाती हैं, वो आपको लेके जाएंगी 120 बात में, 120 बात। अगर आप टैक्सी से जाना चाह रहे हैं पटाया, तो वो लगेंगे 1600 बात लगेंगे वन साइड के, वो आपको ले जाएगी पटाया। तो वैसे तो मैंने तो क्या नाम है टैक्सी यूज़ की थी, तो टैक्सी से मैं गया था पटाया, तो उधर मेरा था कोई 3-4 दिन स्टे था। तो उसके बाद फिर मैं वापस आया था बैंकॉक। बैंकॉक क्यों आया था, पहले मैंने क्यों पटाया किया वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैंने इसलिए प्लान किया था कि मैं पहले, मेरा एक्सपेंसिस इसमें कम हुआ है, तो मैं पहले गया यहाँ से सीधा, मैंने टैक्सी ली, टैक्सी में गया पटाया, पटाया में 3-4 दिन रुका, वहाँ से फिर मैं क्या नाम है उसका, हाँ पटाया एक चीज़ बता दूँ कि पटाया में आपको कितने एक्सपेंस आएंगे फूड के। तो मेरे ख्याल से जो है फूड, देसी फूड जो है, ख्याल से नहीं, खैर ख्याल आपको वैसे कह रहा हूँ, तो सीन ये कि कहता हूँ उधर पटाया में देसी फूड महंगा है रेदर देन फास्ट फूड। अब जो क्या तुम देसी फूड है वो कहाँ से स्टार्ट होता है वो आपको बताऊँ, मिनिमम जो है, मिनिमम जो प्राइस है ना उसकी, आप कह लें कि 130 बाट से स्टार्ट होता है। कुछ भी वेजिटेबल बता रहा हूँ, वेजिटेबल आप पसंद करते हैं तो चिकन जो है उसकी और महंगा हो जाता है। और हाँ, और उसके बाद वहाँ पर जो चपाती है वो 20 बाट की आती है। और अगर ये साइड आप फास्ट फूड की तरफ आ जाएँ तो फास्ट फूड आपका आता है 100 बाट से जो है ना स्टार्ट हो जाता है, एक मैक चिकन मैकडोनल्ड से आपको मिल जाता है जो 100 बाट का होता है। तो ये था। और हाँ, उसके बाद अकोमोडेशन की बात की जाए, अकोमोडेशन जो है उधर आप कह लें हॉस्टल भी मिलते हैं, हॉस्टल वर्ल्ड एक वेबसाइट है, वहाँ से भी आप हॉस्टल बुक करवा सकते हैं। पर नाइट पर पर्सन 500 बाट होता है। और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं यार हमने हॉस्टल में नहीं स्टे करना, हम होटल चाह रहे हैं, तो होटल भी कह लें कि 1000 बाट का मिल जाता है पर नाइट पर पर्सन मिलते हैं, तो आप वही बुक कर सकते हैं, वो जैसा भी आपको मतलब आपका प्लान हो कि आप चाह रहे हैं। हाँ, और इसके बाद जो आप क्या कह लेंगे ट्रैवल एक्सपेंस है वो इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप मेन एरिया में लेंगे होटल या हॉस्टल तो वो इजी रहेगा, आपके ट्रैवल एक्सपेंस बहुत कम हो जाते हैं। वैसे मैंने तो कहते पास में लिया था तो मेरे लिए इजी था, क्योंकि मैं वॉक करके ही चला जाता था, कहते कहीं भी मैंने जाना हो तो मेरे लिए वो बड़ा ईजी था। वो अगर कहेंगे मैं आपको जो होटल है उसकी वेबसाइट जो है वो मैं नीचे मैंशन कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, बल्कि कर दूँगा, आप देख लीजिएगा, आपको हेल्प होगी। हाँ जी, तो उसके बाद मैं चला गया था वापस बैंकॉक। तो बैंकॉक भी सेम ही है, अकोमोडेशन इतनी महंगी नहीं है, तो बट ये है बैंकॉक में दो मेन प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको जाना चाहिए। मैं किस प्लेस कह रहा हूँ, सॉरी एरिया, कौन से एरिया है वो मैं आपको बताता हूँ। एक है खाउसन रोड, वो कह लें कि एक टॉप का एरिया, वो भी एक अच्छा एरिया, मैं भी उधर गया था काफ़ी, मैंने मतलब कि वहाँ पर कह लें कि उधर ग्रैंड टेम्पल भी है आपका, ग्रैंड पैलेस सॉरी, तो वो भी है, आप वो विज़िट कर सकते हैं, तो उधर सकाफत भी है उनकी। और उसके बाद दूसरा जो एरिया है सुखमित में, इंडियन रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा है जो आपको इजीली देसी फूड वहाँ पर मिल जाएगा, अगर ट्राई करते हैं देसी फूड ट्राई करें आप, मैंने भी ट्राई किया था, अच्छा ठीक था। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो उनको आप बता दीजिएगा पहले कि यार मैं स्पाइसी पसंद करता हूँ, क्योंकि वो नॉर्मल रखते हैं फूड, उतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं करते। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि यार ये भी इससे भी थोड़ा कम मतलब कि 100 बाट से भी कम हो, तो आप 7-Eleven वहाँ पर स्टोर है, वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर रेडीमेड बर्गर मिलते हैं, वो मेरे ख्याल से 50+ बाट के होते हैं एक बर्गर, तो वो ले सकते हैं। उसकी प्राइस में शायद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ, तो फिर भी आप जो है चेक कर लीजिएगा, वो इतना मुझे कंफर्म है कि वो ज़रा इससे भी सस्ते हैं, चीप प्राइस में मिल जाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद मेरा ये प्लान था कि मैं उसके बाद गया था फुकेट, और मैं क्यों पटाया रखा, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं फुकेट भी जाना है, तो मुझे फिर वापस बैंकॉक आना पड़ा था, बैंकॉक भी मेरा स्टे था,
बैंकॉक से मैंने फिर बाय एयर में गया था फुकेट, बाय रोड तो बड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं गया था बाय एयर, बाय एयर गया था फुकेट, और मेरी वो टिकट आई थी अराउंड 9,000 की पाकिस्तानी, वो भी 2019 में बता रहा हूँ, अब तो महंगे हो गए, 2019 में आई थी 9,000 की, तो मैंने टिकट ली थी वहाँ से, मैं गया था फुकेट। फुकेट थोड़ा एक्सपेंसिव है पटाया और बैंकॉक से, तो रोटी भी ज़रा जिसे चपाती कहते हैं वो थोड़ा एक्सपेंसिव वो भी है, और बाकी फूड भी जैसी है तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, बाकी आपको फास्ट फूड वही प्राइस में मिल जाता है, वो इतना उतना नहीं है, हॉस्टल और होटल वो भी महंगे हैं वहाँ पर, तो इतने ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है बट एक्सपेंसिव है उससे। हाँ, और उसके बाद मैंने फुकेट में ना एक वन वे ट्रिप बुक किया था फिफी आइलैंड का और होफी बीच का, वो जब आप बुक करते हैं वो मेरा उसकी जो मेरी प्राइस थी मेरे ख्याल से मुझे जो एक्सपेंस उसका बढ़ा था 1200 baht थे, तो 1200 baht मैंने पे किया था, तो जिसमें वन डे ट्रिप होता है आपका, तो वन डे जो ट्रिप होता है वो बेस्ट होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि उधर इतना कुछ होता नहीं आपको करने के लिए, अगर आप वैसे थोड़ा सा पीस चाह रहे हैं तो फिर आप चाहे 2 दिन स्टे कर लें, 3 दिन कर लें, जो डिपेंड ऑन यू, तो उसका एक्सपीरियंस मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने स्टे किया नहीं। तो बाकी उसके बाद हम वापस आ गए थे फुकेट, फुकेट से फिर मैं कुछ दिन वहाँ पर रुका था, तो फुकेट में कौन सा मेरा होटल था वही मैं आपको बताता हूँ, कुतांग बीच होटल था मेरा, जो बहुत सफिशिएंट था, बिल्कुल बीच के बिल्कुल सामने था बिल्कुल, और यकीन करें बुकिंग जिसमें भी बीच था मेरा, तो मैं इवनिंग में वहाँ पे टाइम स्पेंड करता था, मैं जैसे कि मैंने ब्लॉग में बताया था, तो मुझे बड़ा वहाँ पे सुकून मिलता था, बड़ा अच्छा था। आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं अगर आप लाइक करते हैं, तो ये तो मेरे थे मोटे मोटे एक्सपेंस जो मेरे हुए हैं, और इसके बाद अगर आपने कुछ आपके कुछ और प्लान्स हैं तो उनके अलग एक्सपेंस होंगे, वो आप देखें आप जिस तरह करना चाह रहे हैं, तो उसका मुझे कन्फर्म आइडिया नहीं है आपका क्या प्लान होंगे, तो ये थे मेरे जो एक्सपेंस जो मैंने वहाँ पर किए हैं। दूसरी एक्टिविटीज़ भी हैं, अगर वो आप करेंगे एक्टिविटीज़ तो उसके एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं वहाँ पे थाईलैंड में। हाँ, और इसके बाद मेन चीज़, और मेरी टिकट कितनी की आई थी मैं आपको ये बता दूँ, रिटर्न टिकट पाकिस्तान की मैंने 2019 में 16,000 की टिकट ली थी, तो जो मैंने अब चेक किया है तो वो 70,000 के प्लस या अराउंड कह लें इतनी की टिकट है, तो अगर आपका प्लान है तो आप जाएँ, बहुत अच्छी कंट्री देखने वाली है, मुझे बहुत मज़ा आया था, मैं दोस्तों के साथ था, काफ़ी हमने फ़न किया, तो ये थे मेरे जो एक्सपेंस थे मेरे वहाँ पे जो मैं ऐसे शेयर किए हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, और आपको इस तरह ही मैं एक जो मैं दूसरी कंट्रीज़ मैंने विज़िट किया है उनकी डिटेल वगैरह बताऊँगा, उनके वीज़ा वगैरह बताऊँगा कि मैं कैसे वीज़ा लेता हूँ, तो जिससे आपको हेल्प होगी और आप प्लान करेंगे इंशाल्लाह आप भी जाएंगे, तो आप घूमना चाहिए इंसान को, मुझे ट्रैवल का शौक़ है तो मैं घूमता हूँ, तो मैंने सोचा यार आपसे भी शेयर किया जाए कि आपको बिज़ी हो, क्योंकि लोगों ने बड़ा एक हवा कह लें या कुछ भी कह लें को किया होता है कि यार वीज़ा लेना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका भाई है आपसे शेयर करेगा और आप भी जाएंगे थाईलैंड, थैंक यू। और सॉरी एक चीज़ मत भूलिएगा, मुझे सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, थैंक यू सो मच।